हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश क्वेश्चन बैंक के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में, जो कि सेक्शन डी आपका है। इसमें आज हम करने वाले हैं पोइम फोर द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है यहाँ पर, वो सॉल्व करेंगे हम। यदि आपको पिछले वीडियोस देखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 84 देख लेते हैं कि हु इज द पोइट ऑफ द पोइम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। इसके जो है, इस पोइम के पोइट कौन है? तो जैसा कि आपको पता है, आपने पढ़ा होगा इसको, तो विलियम बटलर ईस्ट इसके जो है क्या है, पोइट है, ठीक है। इनको देख लेते हैं, बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, विच प्लेस डज द पोइट वांट्स टू विजिट इन द पोइम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। जो ये कविता है द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री, इसमें जो पोइट है वो कौन सी जगह पर जाना चाहता है, देखना चाहता है? तो डी इसका सही उत्तर है, अ प्लेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी इनिसफ्री आइलैंड, है ना। यानी कि प्राकृतिक रूप से एक सुंदर जगह है जिसका नाम है इनिसफ्री आइलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 है, वेयर वाज द पोइट्स चाइल्डहुड टाइम स्पेंड इन द पोइम द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री। जो कवि है उसका जो बचपन है वो इस कविता में कहां पर बीता है? तो इसका सही उत्तर रहेगा डी वाला, एट इनिसफ्री आइलैंड। इनिसफ्री जो आइलैंड है वहां पर उसका बचपन बीता हुआ है। 87 क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डिड द पोइट वांट टू हैव एट इनिसफ्री। इनिसफ्री में किस प्रकार का घर कवि बनाना चाहता है? तो सी इसका सही उत्तर रहेगा, ए हाउस मेड ऑफ वुड एंड क्ले। लकड़ी और मिट्टी का घर बनाना चाहता है, घास फूस का घर बनाना चाहता है, कोई मंजिल नहीं बनाना चाहता वो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, व्हाट डिड द पोइट वांट टू क्रिएट फॉर हनी बीज। हनी बीज के लिए वो क्या बनाना चाहता है, यानी कि जो मधुमक्खियां उनके लिए क्या बनाना चाहता है? तो हाइव्स बनाना चाहता है। बीज का सही उत्तर रहेगा हाइव्स, यानी कि छत्ता, मधुमक्खी का छत्ता बनाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, हाउ डिड द पोइट वॉन्ट टू लीव एट इनिसफ्री। इनिसफ्री में वो कैसे रहना चाहता है, मतलब किसके साथ? तो ना तो फ्रेंड्स के साथ, ना पेरेंट्स के साथ, ना सिबलिंग चिल्ड्रन के साथ, वो सिर्फ अकेला रहना चाहता है, इसलिए इसका सही उत्तर रहेगा नन, डी। 90 है, नेम द प्लांट्स द पोइट वॉन्टेड टू ग्रो एट इनिसफ्री। उस प्लांट का नाम बताइए जो कवि इनिसफ्री में, है ना, लगाना चाहता है, कौन सा पौधा लगाना चाहता है? तो वो सेम, है ना, सेम, तो बीन प्लांट आएगा, सी इसका सही उत्तर रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट काइंड ऑफ सीन इज देयर एट नाइट एट इनिसफ्री। इनिसफ्री में रात के समय कैसा दृश्य होता है? तो सही इसका उत्तर रहेगा, सी इसका उत्तर रहेगा, चार्मिंग एंड ग्लिमरिंग, यानी कि बिल्कुल आकर्षक और जगमगाता हुआ। क्वेश्चन नंबर 92 है, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड द पोइट हियर एट इनिसफ्री। किस प्रकार का साउंड वो सुनता है? तो सी इसका उत्तर रहेगा, प्लीजिंग बजलिंग म्यूजिक लाइक साउंड ऑफ बीस, यानी कि बहुत ही सुखद और जो मधुमक्खियां हैं उनका भिनभिनाता हुआ जो म्यूजिक है वो सुनता है। क्वेश्चन नंबर 93 है, व्हाई डिड द पोइट वांट टू गो टू इनिसफ्री। इनिसफ्री क्यों जाना चाहता है वो? तो बीस का सही उत्तर रहेगा, टू इनरिच हिज स्पिरिट एंड फील लाइट अवे फ्रॉम द नॉइज ऑफ द सिटी, यानी वो अपने आत्मा तक पहुंचना चाहता है और वो जो शहर उसका शोर शराबा उसको पसंद नहीं है, इससे दूर जाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, व्हाट साउंड डज इट ईस्ट यर्न टू हियर। ईस्ट यानी कि इसके जो पोइट हैं वो किस प्रकार का साउंड सुनना चाहते हैं? तो वो साउंड ऑफ बी, यानी कि मधुमक्खियों का साउंड सुनना चाहते हैं, ए इसका सही उत्तर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, इवनिंग्स फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स। इस लाइन का क्या अर्थ है? तो इस लाइन का अर्थ होता है कि लिनेट, है ना, जो है लिनेट पक्षी है वो शाम के टाइम आकाश में उड़ रहा है, आकाश से, है ना, उसके पंखों से आकाश भरा पड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हम द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री पोइम के क्वेश्चन कर चुके हैं। क्वेश्चन अब आगे हम करने वाले हैं लेसन 5 द स्नेक एंड द मिरर के। तो देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 96 है, व्हाट काइंड ऑफ हाउस द डॉक्टर लिव्स इन। ये जो हमने कहानी पढ़ी थी ये सांप और दर्पण के बारे में थी, तो इसमें एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर किस प्रकार के घर में रहता है? तो डी इसका सही उत्तर रहेगा, एन अनइलेक्ट्रिफाइड रेंटेड रूम, एक ऐसा किराए का कमरा है जिसमें बिजली भी नहीं है ना, इस प्रकार के घर में रहता है। क्वेश्चन नंबर 97 है, डॉक्टर्स अर्निंग्स वेर मीगर। मीगर यानी कि बहुत ही जो उसकी मामूली है उसकी कमाई, तो ईगर का अर्थ, सॉरी मीगर का अर्थ यहाँ पर क्या है, इस लाइन का अर्थ क्या है, यानी कि उसकी जो कमाई है वो बहुत ही मॉडेस्ट है, मॉडेस्ट यानी कि बहुत ही मामूली है, ठीक है। 98 है, व्हाट काइंड ऑफ साउंड डिड द डॉक्टर हियर। किस प्रकार का साउंड वो सुनता है? जब वो घर में रहता है तो ऊपर से सारे चूहे दौड़ते हैं और चूहे चू चू की आवाज करते, तो साउंड ऑफ रैट्स। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ द डॉक्टर वाज लीडिंग एज अ डॉक्टर। डॉक्टर के रूप में वो डॉक्टर किस प्रकार का जीवन जीता है? तो बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ है उसकी भी, है ना, तो ए इसका सही उत्तर रहेगा, अ स्ट्रगलिंग लाइफ। क्वेश्चन नंबर 100 है, देयर वेर नो मोर साउंड्स फ्रॉम एबो। अब ऊपर से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, तो मतलब एकदम से जो है चूहों की आवाज बंद क्यों हो जाती है? क्यों हो जाती है? क्योंकि वो सांप देख लेते हैं बहुत बड़ा, तो ए इसका सही उत्तर रहेगा, दे हैव सीन ए बिग स्नेक।
ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 डॉक्टर टुक टू अर्थ शेकिंग डिसीजन व्हाट वेयर दे। डॉक्टर दो अर्थ शेकिंग डिसीजन लेता है, मतलब धरती हिला देने वाले निर्णय लेता है, वो कौन कौन से थे? तो सी इसका सही उत्तर रहेगा, टू सेव दिल्ली एंड कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल। कि उसने डिसीजन लिया था कि वो रोजाना है ना सेविंग करेगा, दाढ़ी बनाएगा अपनी है ना, और साथ में अपने चेहरे के ऊपर हमेशा एक आकर्षक मुस्कान रखेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 102 है, हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन द स्नेक कॉइल्ड अराउंड हिज आर्म। डॉक्टर का रिएक्शन क्या था जब सांप उसके हाथ में आसपास लपेट लेता है? तो उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं था, वो हिल भी नहीं सकता था, डिडंट रिएक्ट एज देयर वाज नो टाइम टू डू सो। उसका कुछ भी रिएक्शन नहीं था क्योंकि वहां पर ऐसा कुछ भी रिएक्ट करने का समय ही नहीं था उसके पास। क्वेश्चन नंबर 103 है, डॉक्टर फाइनली सेव्ड हिमसेल्फ बिकॉज ऑफ द। डॉक्टर अंततः अपने आप को बचा लेता है, किस कारण से बचा लेता है? तो मिरर के कारण। मिरर के कारण क्यों बचा लेता है? क्योंकि सांप अपने आप को मिरर में देखता है और वो क्या हो जाता है, उस डाइवर्ट हो जाता है, उसका दिमाग मिरर की तरफ चला जाता है। 104 है, व्हाट चेंज डिड द एनकाउंटर विद द स्नेक ब्रिंग इन हिज लाइफ। जब सांप से मुठभेड़ होती है, आमना सामना होता है, तो उसके आंसर डॉक्टर के जीवन में क्या परिवर्तन आता है? तो वो अंडरस्टूड द वैल्यू ऑफ लाइफ, वह जीवन का महत्व समझ जाता है कि जीवन बहुत कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। ठीक है, तो ए इसका सही रहेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पोइम 4 द लेक आइल 7 इज फ्री और द मिरर एंड द स्नेक लेसन 5 दोनों के ही एमसीक्यू अच्छे समझ में आ गए हैं। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो मैं जब भी बनाऊं तो आपके पास सबसे पहले मिल जाए। और साथ में यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, है ना, और अच्छे अच्छे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में।